गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं क्लास नाइन्थ के सेकंड चैप्टर जो कि पॉलिनोमियल उसकी 2.5 एक्सरसाइज का सेवन्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट समझाऊंगा। ओके, क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी और ये क्वेश्चन है 998 का क्यूब। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले दो क्वेश्चन पार्ट करे हैं वैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे इसका फॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये है 998, इसको हम लिखेंगे 1000-2। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसको 100-2 लिख देते हैं, यहाँ पर एक जीरो लगाना कम लगा देते हैं, तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसका ध्यान जरूर रखें। ठीक है, तो ये 1000-2 है तो हमारा 998 बनता है इसका क्यूब। अब ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, तो एक्स माइनस वाई की क्यूब की आइडेंटिटी हमारी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर होती है। तो इसका मतलब ये एक्स है ये वाई है, तो हम क्या करेंगे इसको इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर पहला हमारा एक्स का क्यूब है तो मतलब 1000 का क्यूब, फिर माइनस आ गया वाई, वाई हमारा 2 है तो वाई का क्यूब, फिर हमारा माइनस यहाँ फॉर्मूले से आइडेंटिटी से आ गया, फिर 3 आइडेंटिटी से आ गया इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स हमारा क्या 1000 से 1000 का स्क्वायर इंटू वाई क्या हमारा फिर से 2 आ गया, फिर प्लस आइडेंटिटी से 3 आइडेंटिटी से एक्स हमारा कितना है 1000 तो 1000 हो गया, वाई हमारा कितना 2 तो 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पर सॉल्व सॉर्ट आउट करेंगे पावर्स। 1000 का क्यूब होता है मतलब 1000 को 3 बार मल्टीप्लाई करना तो हमारा इतना बड़ा आंसर आएगा। कितने हैं जीरो काउंट कर लेना, ये कितने जीरो होने चाहिए, मतलब 3 है तो ये कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, 90 हो गए। ठीक है, अब 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस आ गया, अब 3 आ गया, अब 1000 का स्क्वायर कितना होगा तो यहाँ 60 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 हो गया प्लस 3 और 1000 की मल्टीप्लाई 3000, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, अब इन दोनों की माइनस करिए, प्लस माइनस 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 करने के बाद हमारा ये आंसर आया। ठीक, माइनस अच्छी तरह कर लेना, बच्चे इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर आया, 3 की और 2 की मल्टीप्लाई 6 है, 6 की इसके साथ मल्टीप्लाई हमारा इतना बड़ा आंसर आ गया, जीरो काउंट करके लगा लेना। ठीक, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई जो भी हमारा 3 4 12 होता है, जीरो पीछे 3 लगा देंगे तो 12000 हमारा ये आ गया। ठीक, अब ये प्लस माइनस है तो इनकी हमने कैलकुलेशन करी तो हमारा ये आया, माइनस कर लेना बच्चों। ठीक है, मैंने और दिमाग से ऑटोमेटिक कर दिया, फिर ये हमारा नीचे आ गया। ठीक, उसके बाद इन दोनों को दोनों प्लस 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 होकर हमारा ये आंसर आ गया। ठीक, है नहीं आसान, बहुत आसान है, बट बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, बच्चे मल्टीप्लाई करते रहते हैं 1000 को 3 बार देखेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। जब 1000 का क्यूब है तो ये 0 3 है तो 3 ही हो जाएंगे, 3 3 3 9 9 0 लग जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर करके मत देखें 1000 का क्यूब, क्योंकि 0 है सिंपल, तो उसके 3 गुना 0 हमने पीछे लगा देने। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फ्रेंड के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और लास्ट वीडियो में रेक्टेंगल शेप का बॉक्स आएगा लेफ्ट साइड में, उसमें नेक्स्ट वीडियो का लिंक होगा, आप उसे क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो कि 8th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।